90 वॉट के ना बल्ब, बस 2 साल की गारंटी है। जेनविन आएंगे उनमें वारंटी कार्ड होगा। मिंडा के नाम की वजह से लोग ले लेते हैं, पर एज कम्पेयर टू लाइटिंग एक्सपर्ट्स ये नहीं है। ये जैसे 90 वॉट लिखा हुआ है, अगर आप इसको मशीन पे चेक करोगे तो 90 वॉट जेनविन नहीं आएगी। डायरेक्ट आपके कपलर के साथ कपलर फिटिंग हो जाती है। ठीक है, अब देखो भाई लाइट, ये लाइटों का इंप्रेशन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ये हाई बीम और ये लो बीम है, और इसके साथ मैं ऑन कर रहा हूँ फॉग लाइटें। सुबह के बजे हुए हैं 12। अभी हम फिर से उसी लोकेशन में पहुंच चुके हैं जहां पे हम कल छोड़ के गए। चल रात को अच्छी खासी बारिश होगी, पर भाई कोई बारिश नहीं हुई है यहां पे। पता ना पानी अच्छा खासा खड़ा होगा, यहां पे कोई पानी नहीं खड़ा होगा। पता कि ये जो लाइन है ना बनी हुई, ये अभी नया नया इस जेसीबी ने और ट्रकों ने यहाँ पे लाइन बनाई हुई है। तो मैं सोच रहा था अगर बारिश अच्छी खासी होती है तो मैं अपनी गाड़ी के साथ ऑफ रोडिंग करूँगा यहाँ पे, मेरा एक जो ड्रीम है छोटा मोटा वो कंप्लीट हो जाएगा। बट भाई यहाँ पे वैसा हुआ नहीं, उतनी तेज़ बारिश नहीं हुई है भाई। बट बारिश तो हुई है, बट जैसे बारिश हुई है वैसे वो पानी इसके अंदर जमीन ने सोख लिया है। क्योंकि भाई क्या है ना, अभी अपने पास ना तो थार है, ना तो एक्सयूवी है, ना तो कोई ऐसा ऑफ रोडिंग व्हीकल है, और अपना ड्रीम है कि भाई हम ऑफ रोडिंग करें। तो इसके लिए तो भाई हमारे पास सिर्फ ए स्टार ही है। इसी से देखते हैं भाई कहाँ तक, कितने हदों तक ये काम कर सकती है। यहाँ पे भाई देखो किसी ने ड्रिफ्टे वगैरह मारी हुई है, कोई आया हुआ है, पेड़ लगे हुए ना फूलों वाले, तो भाई क्या मस्त क्लासिक व्यू दे रहे हैं। अब आने वाले टाइम में ना यहाँ पे वीडियो बहुत अच्छी बना करेंगे जब हमारे पास कैमरा आ जाएगा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रैम्बलिंग बाउंड्रीज। तो भाई आज का वीडियो बनाने का मकसद तो हमारा कुछ एक खास है, जो कि भाई मैं आपसे ही कंसल्ट कर सकता हूँ और आप ही मुझे अच्छे से गाइड कर सकते हो। तो वो मुद्दा क्या है वो भी मैं आपको आज बताता हूँ। प्लस आज मैं अपनी गाड़ी के साथ क्या करवाने जा रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेनली क्या है भाई, क्योंकि मेरी गाड़ी का जो थ्रो है ना लाइटों का, वो अच्छा नहीं है, मतलब रात को दिखता नहीं है आगे अच्छा सा। तो मैं इसमें कम बजट में अच्छी लाइटें अपडेट कौन सी होती है वो इसमें करवाने जा रहा हूँ। हाँ भाई, ओसराम की लाइटें थी जो 3400-3500 रुपए वाली हैं, बट उनके मैंने रिव्यू देख लिए यूट्यूब में। तो अपने को चाहिए बेस्ट क्वालिटी की लाइटें। हाँ भाई, थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा लग भी जाए, पर ये कि दिल को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। मेरे सामने देख पा रहे हो, ये है मेरी गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम जो कि यहाँ पे इंस्टॉल हुआ ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे पास है VXI मॉडल, जैसा कि आप मेरी वीडियो देखते आए हो अभी तक। भाई ये LXI मॉडल भी आता है, उसमें नहीं होता, इसमें सिर्फ ये खाली एक खोखा सा होता था। और ये VXI और टॉप मॉडल में सेम क्वालिटी का आता है ये म्यूजिक सिस्टम। अब मेरे दिमाग में टेंशन ये है भाई, अगर मैं इसको चेंज करवा देता हूँ ना तो मुझे ये गाड़ी बिल्कुल भी, मतलब अजीब सी फीलिंग आएगी। और ये स्टॉक जो सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ ना, ये बहुत ही प्यारा फीलिंग दे रहा है इस गाड़ी के ऊपर, क्योंकि ये जो इसका ना आगे उभरा हुआ है, तो उसकी वजह से ना ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको चेंज ना करवाऊँ। देखो सबसे बड़ी बात आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें अगर ये सिस्टम एक बार उतरा ना भाई तो दूसरी बार ये नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रिफ्ट लगी होती है, उसको काटना पड़ता है आरी के साथ, तो वो काटेंगे तो इसके साथ एक फ्रेम लगेगी, फ्रेम के ऊपर जो है स्क्रीन बैठेगी। तो भाई वो फ्रेम ना इसके जो ये हमारा वाइपर का एडजस्टमेंट है ना, यहाँ तक आती है भाई, इतना बाहर आ जाएगी वो। तो देखने में पता नहीं कैसी लगी कैसी नहीं लगेगी, मैंने और भी बंदों के वीडियोस देखे हैं, उसमें भाई मुझे कुछ अजीब सी लगी है। अगर आप फिर भी बोलते कि नहीं भाई आप इसको चेंज करवा दो, तो भाई मैं इसको चेंज करवा दूंगा। इसी को भाई अपने ट्रैवल के लिए रखा है, ऑफिस के लिए रखा है, दिमाग में ये थॉट प्रोसेस है कि भाई इन फ्यूचर कभी मैं आप गाड़ी नेक्स्ट लूंगा और ये गाड़ी स्पेयर खड़ी रहेगी, और किसी को मैं दिखाऊंगा कि इस गाड़ी में क्या क्या फीचर आते थे उस टाइम पे। ये मैं बहुत टाइम बाद की बात कर रहा हूँ, जब मैं ये गाड़ी अपने पास ही रखी होगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इस गाड़ी को दिखाना होगा तो मैं क्या दिखाऊंगा भाई, जो मैंने आज अपडेट करवा दिया सिस्टम वो, या फिर आप इसी को देखना पसंद करोगे। वैसे मैंने इसी के अंदर ना ब्लूटूथ भी फिट करवा दिया भाई, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाता है कि जो मैट है ना, ये वाले मैट है मारुति ए स्टार जो आपको देती है कंपनी फिटेड, आप देख पा रहे हो इनको। तो ये आज मैं इसके अभी कंफर्म करके आऊँगा भाई, इसमें 7D मैट डलवाने जो इसी के साइज के हो। इससे पहले मैंने 7D मैट इसमें डलवा दिए थे भाई, वो इतने बकवास थे ना, वो टाइट हो चुके थे इसको, मतलब टाइट थे यहाँ से वहाँ से, यानी कि ऐसे ऐसे फैल रहे थे वो एक्चुअली स्विफ्ट के थे, तो इसमें प्रॉपर फिटिंग नहीं आ पा रही थी। जो हमारे चैनल पर नए उनको मैं बता देता हूँ भाई, ये गाड़ी हमने आज से 2 साल पहले सेकेंड हैंड बाय करी थी। सेकेंड हैंड बाय करने के बाद भाई इस पर हमने बहुत कुछ अपडेट किया, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, अपने डेली यूज के लिए इसी गाड़ी को रखा हुआ है। और भाई मैं इस गाड़ी को इन फ्यूचर इतना दिल के करीब हो चुकी है ना भाई, इसको सेल आउट करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। अब इवन इसकी ना जो पासिंग है वो नेक्स्ट ईयर आने वाली है,
तो इसलिए मैं पता क्या सोच रहा हूँ, मेरा मन ये कर नहीं रहा है कि भाई मैं इसकी जो भी चीज़ें इसको ना छिड़वाऊँ और जो छोटे मोटे कॉस्मेटिक्स चेंजेस हैं उनको करवाता रहूँ। अभी जैसे 70 मैट हो गए, अच्छा 70 मैट कौन सा होता है, लाइटिंग होगी अच्छी, लाइटिंग कौन सी होती है गाड़ी के लिए, और भाई इसमें छोटे मोटे और चेंजेस है, जैसे अलवाए हैं मैंने 14 इंच के अलवाए डलवा दिए हैं, और मैंने अभी इसके 13 इंच अलवाए डलवाने हैं, तो वो भी मैं जल्दी अपडेट करूंगा। तो देखो भाई जो जो चीज़ें इसमें अच्छी मतलब इसकी लुक को एनहांस करें ना, वो मैं रखना चाहता हूं। और ये मेरे दिमाग में एक सवाल था जो कि मैं आपसे पूछना चाहता था, और जो भी नए सब्सक्राइबर भी जुड़े हैं या फिर नए हमें देख रहे हैं, तो भाई उस चीज़ के लिए आप हमें रिकमेंड कर सकते हो कि भाई ये ए स्टार में डलवाना अच्छा रहेगा या नहीं। ओनर यही मिलेंगे आपको, बाकी काम तो भाई करते हैं यहाँ पे। छोटे की एडमिशन अभी हुई नहीं है, होगी जाने वाला है। ओके तो भाई जो यूनोमिंडा की मैं बात कर रहा था, ये है वो लाइट 90 वॉट की है ना ये बल्ब? हाँ जी भैया 90 वॉट की, प्लस 2 साल की गारंटी है। जेन्युइन आएंगे, उनमें वारंटी कार्ड होगा, ठीक है 2 साल की। हाँ जी पक्का बिल मिलता है। तो इनमें क्या बेनिफिट है और क्या नहीं है, ये थोड़ा सा मैं गाइड कर दो, आप डलवानी चाहिए या नहीं? सर मिंडा का नाम बहुत अच्छा है, हाँ मिंडा के नाम की वजह से लोग ले लेते हैं, पर एज कम्पेयर टू लाइटिंग एक्सपर्ट्स ये नहीं है। लाइटिंग एक्सपर्ट्स जो लाइट्स आती हैं जैसे 90 वॉट लिखा हुआ है, अगर आप इसको मशीन पे चेक करोगे तो 90 वॉट जेन्युइन नहीं आएगी। थोड़ी सी अपग्रेडेड प्राइस में आपको ये लाइट्स मिल जाएंगी, एपेक्स की H4 110 वॉट जेन्युइन है, 11,000 ल्यूमेंस है। लाइट ना हमेशा कभी भी वॉटेज पे नहीं जाना चाहिए, ओके लाइट की ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उससे कंपेयर करना चाहिए, ठीक है। वॉटेज तो आपकी गाड़ी से कितनी उसने पावर कंज्यूम करनी है वो चीज है, 90 वॉट इसके 9900 ल्यूमिंस है। ओके तो इस चीज का भाई हमें पता नहीं था। हाँ ये जो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो ल्यूमिनस से पता चलती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसकी 11,000 ल्यूमिंस है। अच्छा ये 11,000 LM। और इसकी गारंटी वारंटी का क्या सिस्टम है? मिंडा की 2 साल की गारंटी आती है, ओके इसकी 1.5 साल की गारंटी है, ठीक खराब कोई भी नहीं होती है। अगर होती है तो हैंड टू हैंड साथ के साथ चेंज होगी। इसमें भी भाई आपको वारंटी कार्ड मिलेगा सेम की है। जो हैलोजिन बल्ब रहते हैं ना वो कुछ इस तरीके से हैं। इनका लगाने का तरीका कैसे है भाई? तो हमने डिसाइड किया भाई एपेक्स की 110 वॉट, तो इसमें भाई 2.5 साल की वारंटी है और कभी भी आकर के चेंज करा जाओ। और ये है किसकी है? मोको की। मोको की हमने H8 डिसाइड किया है अपने फॉग लाइट्स के लिए। तो इसकी कॉस्ट मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा कि हमें क्या कॉस्ट पड़ी है। दोनों का भाई वारंटी कार्ड है, जैसे कि ये है मोको का वारंटी कार्ड और एपेक्स का आई थिंक अंदर है, बट इसकी भी वारंटी कार्ड के साथ आती है। इसको इंस्टॉल करने का तरीका कुछ इस तरीके से रहता है। डाल दी भाई बहुत फास्ट काम। ये भी लगेगा क्या? एडजस्टमेंट हमारी अभी हो जाएगी रात को, कल रात को आऊँगा फिर ऑफिस से आधे टाइम करके पाऊँगा, ठीक है पड़ी, ठीक है बिल्कुल आ गया। देखो अभी थोड़ा बहुत अगर आप डिफरेंस देख पा रहे हो ना, अगर आपको किसी वजह से लाइट पसंद ना आए तो वापस देखा भाई आज का डिस्काउंट, अगर लाइट किसी वजह से पसंद ना आए तो वापस डायरेक्ट आपके कपलर के साथ कपलर फिटिंग हो जाती है। इसमें टेप लगाएंगे हम ताकि पानी ना जाए अंदर। वैसे पानी जाने का अगर कोई खतरा नहीं, कोई पता लगा सर्किट हो गया या कुछ और है? पक्का? क्या करता हूँ मैं गाड़ी को धुलवा देता हूँ ऐसे ही। इसको भी देख लें एक बार कैसा फील दे रहा है। तो भाई लाइट तो होगी वाइट पूरी। तो भाई सीधा आपका बम्पर ऐसे से खुलता है और ये डायरेक्ट ऐसे, ये ढीला तो नहीं है देखना बाबा। तो भाई अपने ना फॉग लाइटों का काम भी मैक्सिमम कंप्लीट ही हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना जगह कंजेस्टेड है और वहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा खड़ी हो चुकी है। मैक्सिमम यहाँ पे भाई काम कंटिन्यू चला ही रहता है। तो फिलहाल जो एंड का वीडियो को पूरा देखना भाई, पहली बात तो मैं आपको बता दूं वीडियो को देखना पूरा ना भूलें, क्योंकि वीडियो को मैं कभी भी मैं इसका प्राइस बता सकता हूं। और दूसरा भाई ये है कि इसका जो लाइटों का थ्रो है वो तो मैं आपको शाम को बताऊंगा, प्लस भाई अगर उसमें कोई सेटिंग रह जाएगी तो वो भाई हमारी कल करेंगे, तो वो भी मैं आपको पूरा इसका डिटेलिंग में बताऊंगा कि कैसे क्या रहता है। फिलहाल मैं कंजेस्टेड एरिया तो दिखा नहीं पा रहा हूं कि कहां पे क्या काम हो पा रहा है। अभी 1:18 अभी हो चुके हैं हमें। ये देखो भाई यहां पे प्रेम प्यार ऐसे चलता रहता है। तो भाई अभी मैंने अपनी गाड़ी के मैट के लिए पता किया, 28 सेक्टर में आया था और मैट का कन्फर्म किया भाई, मैट इसके भाई कहीं भी नहीं है जो ए स्टार से रिलेटेड हो और ओरिजिनल हो। अपनी गाड़ी के लिए कोई मैट नहीं बना भाई ए स्टार वालों, समझ रहे हो? जितने भी ए स्टार वाले ओनर है ना उनके लिए मैं बता देता हूँ कि हमारी ए स्टार के लिए भाई कोई मैट ही नहीं बना, सिवाय ये जो कंपनी वाले देते थे ना उस टाइम पे एक मैट। ये देखो अगर आप देख पा रहे हो ना, ये कुछ इस टाइप की बैजिंग के साथ आता था ए स्टार का मैट, तो ये ही है भाई, इसी के साथ आप काम चला सकते हो।
या फिर आप ग्रास वाला मैट है उसको डलवा सकते हो भाई, 70 मैट स्विफ्ट वाला डलवाने की अपनी गाड़ी में कोशिश भी ना करें, क्योंकि वो आपकी गाड़ी की जान निकाल देगा, ड्राइविंग एक्सपीरियंस को खराब कर देगा। जो मैंने आपको पहले बताया था ना भाई कि होता क्या है जब भी आप मैट डलवाते हो, देखो को पैसेंजर वाला और रियर वाला वो तो आपका एडजस्ट हो जाता है, बट जो ड्राइवर सीट वाला, जो ड्राइवर वाला मैट होता है ना वो सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है ना भाई, आपका क्लच एक्सीलेटर ब्रेक वो सारा कुछ उसी पे डिपेंड होता है, तो दिक्कत वहीं पे आकर के खत्म हो जाती है और शुरू भी वहीं से हो जाती है। तो इसलिए भाई या तो फिर आप इन्हीं के साथ काम चलाओ, या तो फिर आप सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपनी गाड़ी में करवा लो पूरा फ्लोरिंग। जो कमेंट करते हैं वो बोलते हैं कि भाई अपने ए स्टार में भी आप स्टेयरिंग कंट्रोल डलवा लो, बट भाई इसमें ना ऑप्शन नहीं है कि इसमें काटा पीटी करूं मैं। और प्लस भाई एक आता है ऑप्शन जो कि आपके साइड में लग जाता है, वो भाई अजीब सा लगता है, इससे अच्छा आप यहीं से जा करके इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने साउंड को आगे पीछे। तो फाइनली भाई अभी हम पहुंच चुके हैं अपने लाइटों का काम कंप्लीट करवा करके अपने ग्राउंड में, और अभी तब से लेकर के यहाँ पे इतने टाइम तक मैं क्या कर रहा था, मैं कर रहा था वेट सूरज बाबा के डलने का, बस जस्ट नाइट हो जाए और आपको मैं इसका इंप्रेशन दिखाऊं कि लाइटें कहाँ तक थ्रो करती हैं और कितना इनका विजिबिलिटी है, ये डलवानी चाहिए आपको या नहीं डलवानी चाहिए। तो मेन अब आता हूं मैं इसकी प्राइसिंग के ऊपर। मैंने इससे पहले यूनो मिंडा भी ट्राई किया था, उससे पहले एक और आती है जो आजकल सारे यूनिवर्सल डलवा रहे हैं, वो है ओसराम। भाई ओसराम भी मैंने ट्राई किया था, तो भाई उनमें मुझे वो क्वालिटी नहीं लगी जो इनमें लगी, क्योंकि इसमें क्या रहता है ना भाई, तो इसमें है 11,000 LS भाई, जो दूसरी थी उनमें 9,900 LS था जो यूनो मिंडा की थी। और मैं सच्ची बात बताऊं तो ओसराम का मैंने चेक नहीं करा कि कहां तक उसका थ्रो था, तो भाई ये 11,000 क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूं। इसका होता है थ्रो कि ये कहां तक मार कर रहा है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो भाई ये मुझे 6500 की कॉस्ट करी है। H4 है मेरा जो बल्ब था, H4 उनको बोला जाता है जो कि हाई और लो बीम दोनों होते हैं, उसको H4 बोला जाता है। ये H4 है जो कि हाई लो बीम का काम करेगी। H4 हमने डलवाई अपनी हेडलाइट पे और H8 डली हमारी फॉग लाइटों में। तो ये 6500 की कॉस्ट करी है और ये मोको की है, 7600 ल्यूमिनस और ये है 11,000 ल्यूमिनस। 2 साल की वारंटी इसकी है और 1.5 साल की वारंटी इसकी है, बट भाई ने बोला कि कभी भी अगर ये ख़राब होती है तो आप कभी भी इनको रिप्लेस कर सकते हो। ये मुझे कॉस्ट करी है 3400 और ये मुझे कॉस्ट करी है 6500। तो मैंने ये वाली चीज़ ना अभी अपडेट नहीं करवाई है, ये आपके ऊपर छोड़ रखा है इसका जो भी सिस्टम है कि भाई आप बताओगे ये हमें चेंज करना चाहिए या नहीं। प्लस भाई मैंने इसके अलॉय देख लिए हैं कि अलॉय कौन से डलवाने, वो मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर दूंगा, या तो भाई नेक्स्ट जब वीडियो आएगी तो शायद ये अलॉय ही चेंज मिले आपको। जो मेरी साइड वाली DRL है ये भी व्हाइट है और हेडलाइट भी व्हाइट होगी, फॉग लाइटें ऑल्सो व्हाइट हो चुकी हैं, और ये जो पार्किंग बल्ब है भाई, ये अगर आप पार्किंग बल्ब देख पा रहे हो ना तो भाई ये मुझे इसके साथ इन्होंने फ्री दे दिए थे, क्योंकि भाई ये इतनी ज़्यादा कॉस्ट इनकी नहीं आती है। प्लस भाई ये तो था इनके फीचर, इसको कर देते हैं क्लोज। आज मैं अंधेरा होने का वेट कर रहा हूँ, आज अंधेरा ही नहीं हो रहा है भाई, देखो 6:44 हो चुके हैं अभी, तो मैं कब से सोच रहा हूँ कि भाई अंधेरा हो जाए मैं आपको लाइटों का एक्सप्रेशन दिखा पाऊँ कि ये क्या फील देता ही है। बट भाई साहब मुझे लगता है कुछ और ही मंजूर है, आज मुझे लगता है कि हो पाएगा टेस्टिंग, क्योंकि अंधेरा तो अभी हो नहीं रहा और इसकी लाइटें करवानी पड़ेगी मुझे एडजस्ट। तो अगर मैं बात करूँ, ये है इसकी फॉग लाइट और ये इसकी पार्किंग लाइट और ये इसकी लो बीम और ये हाई बीम, तो आप डिफरेंस देख सकते हो। अभी ना इसकी ये एडजस्ट होगी, थोड़ी सी ना और उठेगी ये, जब ये ऊपर उठेगी ना तब जाकर के आपको अच्छा इसमें व्यू आ पाएगा। तो आई थिंक इसको ना कल उठवाता हूँ मैं और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या रिजल्ट रहता है। अगर आप देख पाओगे ना तो ये एम्बियंस लाइट और एटमोसफियर लाइट शानदार लग रही है भाई, मजा आ रहा है भाई इनको देख करके इस टाइम पे। ये पार्किंग लाइट है नॉर्मली जो आगे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और ये हाई बीम और ये लो बीम है, और इसके साथ मैं ऑन कर रहा हूँ फॉग लाइटें, तो भाई साहब ये इतना कवर हो रहा है। प्लस भाई अभी ये जो लाइट्स है ना ये मैंने थोड़ा ऊपर उठवानी है, ये बहुत ज्यादा डाउन है, तो इनको एक बार सेटिंग करवा करके मैं आपको कल इसी ब्लॉग में दिखाऊंगा कि कैसे इनको हमने उठवाया है और कहाँ तक इसका थ्रो जा पा रहा है। फाइनली हम आ चुके हैं सतिंदर भाई के साथ और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं अपनी लाइटों का थ्रो कि कहाँ तक जा रही है। एक साइड है हैलोजन लाइट और एक साइड है आपका हमारे वाली लाइट, तो क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, इसी बहाने वाली टेस्टिंग भी हो गया ना। देखना लाइट कैसे घूमेगी, और देखो भाई लाइट ऐसे ऐसे घूम के ना अब बढ़िया स्टोरी है। सतिंदर भाई कुछ कर रहे हैं जलवा, अब देखो लाइट का फोकस यार, लो बीम है ठीक है, और अब देखना ये हाई बीम है भाई, ये लो बीम ये हाई बीम, हाई बीम देखना जरा कहाँ पड़ रहा है सतिंदर भाई, उल्टा तो नहीं पड़ रहा है कहीं, ये लो बीम हाँ
ये हाई बीम हो गया, ये लो बीम है। ठीक है, अब देखो भाई लाइट, ये लाइटों का इंप्रेशन जो आपने वीडियो देखा भाई, ये बना है 3 दिनों में। मतलब एक दिन हमने इसकी लाइट डलवाई, दूसरे दिन हमने इसकी सेटिंग कराई और तीसरे दिन फिर से हमने इसकी सेटिंग कराई। क्योंकि भाई मुझे ना देखा भाई, लोग ना बीच रास्ते में चलते हैं और हटते नहीं है, तो भाई मुझे ना इसकी एडजस्टमेंट बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। बट अब जाकर के इसकी एडजस्टमेंट खुद सेट आई है। अभी भी जो सतिंदर भाई ने एडजस्टमेंट करी थी उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मैंने खुद उतरा और खुद इसकी एडजस्टमेंट करी, तब जाकर के ये थोड़ा अच्छा फील करा रही है। और जो इन लाइटों की ल्यूमिनेंस है ना भाई, वो है 11,000। अगर आप दूसरी जो सस्ती वाली ओसराम की है तो भाई आप सोच लो उनमें आपको कितना ही क्लियरिटी मिलेगी। यानी कि मैं तो भाई इनमें भी अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, समझ रहे हो? तो भाई कोई ना, अगर आपको लाइट का एक बोलते ना, जिस चीज का चस्का दिमाग में चढ़ जाए तो आपको सोचते हैं कि भूत सवार हो गया, बस मैंने ये काम अब और एक्सट्रीम लेवल में कराना है। तो अभी देखते हैं, इसमें मैं ऑल लाइट होती है वो भी लगवाऊंगा, वो भी आपको दिखाता हूँ कि वो किस टाइप की लगती है। तो बस भाई ये चलता रहता है। बट आपने अगर लाइटें डलवानी है अपनी और आपको सेटिस्फेक्शन वाली लाइट चाहिए तो आप भाई एपेक्स की डलवा लो। एपेक्स की अप और डाउन दोनों जगह 11,000 इल्यूमिनेशन आपको मिल जाती है, ल्यूमिनेस, तो वो सही रहेगी आपकी गाड़ी के लिए। और अगर आपके पास ए स्टार है तो भाई, भाई देखा हिरन गया यार, क्या बात है भाई साहब, फर्स्ट टाइम मैंने हिरन देखा यहाँ से जाते हुए। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो ना भाई, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल भी ना भूलें। तो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे हम नया नया डेटा, जो कि आपका मनोरंजन थोड़ा बहुत करे और आपको गाड़ियों से रिलेटेड नॉलेज मिलती रहे कि मार्केट में क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो इसी के साथ आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करता हूं और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग नेमलिंग बाउंड्रीज, जय हिंद। ये है कि गाड़ी का आप एक बार फिर से नाइट व्यू देख लो कि कैसा व्यू देती है हमारी गाड़ी नाइट के टाइम पे। और भाई इंटीरियर की लाइटिंग तो इसकी बहुत ही ज़्यादा, अब तो इसका गिव अवे देना ही पड़ेगा भाई, रिकमेंडेड है अगर आपने लगवानी है तो। और ये लो बीम में हमारी गाड़ी चल रही है भाई, तो लाइटिंग आप देख सकते हो। और ये हाई बीम है, लो हाई बीम लो बीम, तो ये कुछ इस तरीके से रहती है इसकी हाई बीम और लो बीम, तो भाई पूरा रोशनी कर देती है। ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपको लाइट नहीं मिलेगी देखने के लिए।